देखो हमने बहुत सी एनिमे देखी है, तो इस एनिमे का कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर को छोड़ के सब पे मैजिक होता है, लेकिन अपने मेन कैरेक्टर पे मैजिक ही नहीं होता। तो उस पे क्या होता है जो कि उसको सबसे ज्यादा अलग करता है और सबसे ज्यादा ताकतवर बनाता है? फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब इतनी मैसिव स्ट्रेंथ कि मुझे नहीं लगता कि उसको मैजिक की जरूरत भी है। क्योंकि पहले एपिसोड के अंदर तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि जिन जिनके पास मैजिक होता है ना उस वर्ल्ड में, उनके फेस पे एक निशान होता है। अब जिसके पास नहीं होता उस वर्ल्ड में एक रूल होता है, या तो उनको कर्ज्ड मान के उनको खत्म कर दिया जाता है या तो उनको बंदी बना लिया जाता है। उस टाइम पे कुछ ऐसा होता है कि एक आदमी उसके साथ डील करता है कि उसको वो एक मैजिकल अकेडमी स्कूल भेज रहा है जहाँ पे सब बच्चों के पास मैजिक होता है, वहाँ पे मैजिक पढ़ते हैं सीखते हैं, लेकिन अपने मेन कैरेक्टर के पास जिसपे मैजिक का एक बूंद भी नहीं है उसको वहाँ पे भेजता है। और वहाँ पे जाने के बाद वो क्या करता है किसी को नहीं पता लगने देता कि उसके पास मैजिक है भी या नहीं, लेकिन वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही वो सबकी। तो अपना मेन कैरेक्टर स्कूल के अंदर क्या क्या कांड करने वाला है ये तो हमें आगे के एपिसोड में देखने को मिलेंगे, बट ये सुन के भी तुम गेस कर सकते हो कि अच्छी खासी एक्शन एनिमे होने वाली है इसके अंदर। अपने प्रोटैगनिस्ट के पास आगे क्या क्या चीजें होंगी वो तो हमें देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं आगे ये एनिमे और कितनी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।